हाय एवरीवन, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट पे। और आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज माओस व्यूज ऑन द रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन के बारे में माओ के क्या विचार थे, किस तरीके की थ्योरी स्ट्रैटेजी वो सजेस्ट करते हैं, जैसे कि जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन है चाइना में वो सक्सेसफुली वहाँ पर एग्जीक्यूट किया जा सके। तो चाइनीज कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरी हैं माओ, जिन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कंसीडर किया जाता है। चाइनीज रिवॉल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था माओ के द्वारा, और वो मॉडर्न चाइनीज हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट फिगर हैं। जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल आप हम इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो गांधी जी का एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, उसी तरीके से जो माओ है वो चाइना के जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। सो माओ के जो व्यूज थे रिवॉल्यूशन पर, वो कई सारी डायमेंशन से, कई सारे आइडियाज से इन्फ्लुएंस्ड थे। सबसे इंपॉर्टेंट उनका जो एक्सपीरियंस था जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को, जो उन्होंने लीड किया था, सो लीडिंग द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के दौरान जो उनका एक्सपीरियंस हुआ उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा उनके जो व्यूज ऑन रेवोल्यूशन थे। इसके अलावा जो उनका बिलीफ था मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी से, जिस तरीके से वो मार्क्स के थॉट से प्रभावित थे, लेनिन के आइडियाज से प्रभावित थे, तो इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा मार्क्स के जो व्यूज हैं ऑन रिवॉल्यूशन पे। सो अगर हम माओ के रिवॉल्यूशन की बात करें तो इनके रूट्स आप मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी में देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये कहेंगे कि जो प्रोलिटरेट क्लास है उसकी इम्पॉर्टेंस की बात करेंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर की बात करेंगे, जो इनके रिवॉल्यूशनरी थॉट का यूनिकनेस है। ओके, इसके बाद से वैनगार्ड पार्टी लीडरशिप की ये बात करेंगे, देन पावर ऑफ द कॉमन मासेस की बात करेंगे। तो कई सारे डायमेंशन पर इन्होंने बात की है जब ये रिवॉल्यूशन के बारे में थॉट या आइडियाज देते हैं। तो वन बाय वन हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ये इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोलिटरेट क्लास या वर्किंग क्लास की बात करते हैं कि रिवॉल्यूशन को ये लीड करें। सो माओ का बिलीफ था ये कि रिवॉल्यूशन वॉज नेसेसरी टू ओवरथ्रो द रूलिंग क्लास। अगर हमें रूलिंग क्लास को, हैब्स क्लास को उखाड़ फेंकना है तो रिवॉल्यूशन या क्रांति बहुत ज़रूरी है, और इसी तरीके से हम फिर सोशलिस्ट सोसाइटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में किसका रोल महत्वपूर्ण है, जो वर्किंग क्लास है, जो प्रोलेटरेट क्लास है, वो लीड रोल लेगी इस पूरी प्रोसेस में, मतलब रिवॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करने पे। और यहाँ पर ज़रूरत है एक यूनाइटेड फ्रंट बनाने की। यूनाइटेड फ्रंट एक तरीके का कॉमन प्लेटफॉर्म होगा सभी रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस का टू अचीव दिस गोल। गोल क्या है, हमें रूलिंग क्लास है उसे उखाड़ फेंकना है और सोशलिस्ट सोसाइटी को बनाना है। और ये हम किसके माध्यम से करेंगे, रिवॉल्यूशन के द्वारा। अब हम रिवॉल्यूशन या क्रांति कैसे लाएंगे, एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगे जिसमें सभी रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस, वो सारे सेक्शन ऑफ द पीपल्स जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे वो वर्किंग क्लास हो जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, चाहे वो जो फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट में हैं वो हैं, तो उन सारी रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस जो प्रभावित हैं प्रेजेंट रूलिंग सिस्टम से, जो उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं, क्रांति लाना चाह रहे हैं प्रेजेंट सिस्टम के अगेंस्ट में, तो वो सभी ऑप्रेस्ड क्लासेस इकट्ठे लाए जाएंगे और एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाएगा। सो माओ का जो कंसेप्ट है यूनाइटेड फ्रंट का, दैट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑल क्लासेस एंड सोशल ग्रुप दैट वर ऑप्रेस्ड बाई द रूलिंग क्लास could come together to fight their common interest. कॉमन इंटरेस्ट क्या है, उनको अपनी फ्रीडम चाहिए इस एक्सप्लॉयटेशन से या शोषणकारी व्यवस्था से, उनको मुक्ति पाना है, राइट। सो दे वॉन्ट द फ्रीडम फ्रॉम द प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम, और इस एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम को वो उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया जाए। यूनाइटेड फ्रंट आपको समझ में आ गया कि वो सभी क्लासेज या सोशल ग्रुप्स इसमें शामिल होंगे, इकट्ठे आएंगे, जिसमें जो प्रेजेंट या एग्जिस्टिंग एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं, गेटिंग इट। तो पहला कंसेप्ट समझ में आया यूनाइटेड फ्रंट का, जो रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुली कंडक्ट करने पे हेल्प करेगा। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको आइडिया देखने का मिलेगा आपको माओ की जो फिलॉसफी ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर है, जो रिवॉल्यूशन में वो अपने देते हैं। सो क्रांति को अचीव करने में, सो अचीविंग रिवॉल्यूशन, माओ ने कहा कि भाई आर्म्ड स्ट्रगल करना पड़ेगा, हमें वेपन्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, हमें बंदूकें चलानी पड़ेंगी, राइट। तो इस तरीके से इन्होंने इम्पॉर्टेंस ऑफ
आर्म्ड स्ट्रगल इन अचीविंग रिवॉल्यूशन पे जोड़ दिया। अब ये जब आर्म्ड स्ट्रगल होगा तो स्वाभाविक सी बात है इसमें वॉयलेंस होगा। सो वॉयलेंट स्ट्रगल वॉज नेसेसरी टू ओवर थ्रो द रूलिंग क्लास एंड एस्टैब्लिश अ सोशलिस्ट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू माओ। अब ये जो हम वॉयलेंस करेंगे, आर्म्ड फोर्सेस करें, आर्म्ड स्ट्रगल करेंगे रिवॉल्यूशन के लिए, तो ये इसमें कुछ हम स्ट्रैटेजीज डेवलप करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो माओ ने सजेस्ट किया था क्रांति लाने के लिए, रिवॉल्यूशन लाने के लिए, वो था गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर जिसको माओ ने डेवलप किया था चाइनीज़ रिवॉल्यूशन में, और ये की कंपोनेंट बनता है रिवॉल्यूशनरी मोमेंट अराउंड द वर्ल्ड। इवन आज भी लोग इसकी बात करते हैं। अगर आपने नक्सलवाद सुना होगा, नक्सलिज्म या मिलिटेंट की स्ट्रेटजी देखी होगी, तो वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। अब गुरिल्ला वॉरफेयर है क्या, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माओ के रिवॉल्यूशनरी थॉट पे। सो माओ की जो फिलॉसफी ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर है, बेसिकली ये एक अप्रोच है आर्म्ड स्ट्रगल का। इस अप्रोच में क्या होता है, जो जो हमारे सोल्जर्स की यूनिट होती हैं उसको हम स्मॉल एंड मोबाइल यूनिट्स पे कन्वर्ट करते हैं। मतलब छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटा जाता है सिपाहियों को, और वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक जगह परमानेंट स्टेबिलिटी कर ली उन्होंने। जैसे नक्सलीज को आपने देखा होगा कि वो 10 या 5 ग्रुप बनाकर पूरे जंगलों में घूमते हैं, फिर कभी हमारे जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके खिलाफ उन पर अटैक करते हैं, वो ऑल ऑफ सडन, तो ये सरप्राइज अटैक करते हैं ऑन द एनिमी फोर्सेज। तो जो माओ है वो कहते हैं कि अगर हमें आर्म्ड फोर्सेस अपना आर्म्ड स्ट्रगल को सक्सेसफुल कंडक्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, गोरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटजी अपनानी होगी। इसमें हम क्या करेंगे, सरप्राइज अटैक करेंगे एनिमी फोर्सेस में। और सरप्राइज अटैक आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने सिपाहियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटें। ओके, माओ का मानना था कि जो गोरिल्ला वॉरफेयर है ये कन्वेंशनल वॉरफेयर से डिफरेंट है। कन्वेंशनल वॉरफेयर में क्या होता है, लार्ज या स्टैटिक आर्मीज बनाई जाती हैं, मतलब बड़ी यूनिट्स बनाई जाती हैं जिसमें नंबर ऑफ जो सोल्जर्स होते हैं वो मान लीजिए कि 500 है, और यहाँ पर ये कहेंगे कि नहीं 50 होने चाहिए या 20 होने चाहिए या 10 होने चाहिए, मतलब स्मॉल यूनिट्स होनी चाहिए। ऊपर से मोबाइल यूनिट्स, मतलब एक जगह ये परमानेंट बेस अपना नहीं बनाएंगे, जबकि कन्वेंशनल वॉरफेयर में क्या होता है, स्टैटिक इनका बेस होता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है जहाँ पर इनके अपना हेडक्वार्टर है, यहाँ पर इनकी जो बस्तियाँ अपनी बनाते हैं डिफेंस फोर्सेस की वो है। माओ कहते हैं कि नहीं, हमें क्या करना है, मोबाइल यूनिट्स, एक जगह हमें इकट्ठे ही नहीं होना, इस तरीके से एनिमी आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। जब मोबाइल यूनिट्स, छोटी छोटी यूनिट्स रहेंगी तो आप जो आपका एनिमी है वो आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो नक्सली भी यही अडॉप्ट करते हैं। नक्सली छोटी छोटी टुकड़ियों में घूमते फिरते रहते हैं ताकि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं वो उनको ट्रैक ना कर पाएँ, लोकेट ना कर पाएँ। भाई लोकेट करेंगे तो फिर तो इनकाउंटर हो जाएगा ना। सो डायरेक्ट असॉल्ट्स ऑन द एनिमी पोजिशंस। कन्वेंशनल वॉरफेयर में क्या होता है, वो डायरेक्ट अटैक करते हैं, जबकि माओ सजेस्ट करते हैं कि हम गोरिल्ला वॉरफेयर स्ट्रेटजी में क्या करेंगे, सरप्राइज अटैक लॉन्च करेंगे एनिमी फोर्स पे। उनका मानना था कि अगर सरप्राइज अटैक करोगे तो इस तरीके से आप एनिमी को डिसरप्ट कर सकते हो, एनिमी को टाइम नहीं दोगे रिकवर करने के लिए। भाई जो एनिमी है वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है इसके बैटल के लिए, आपने सरप्राइज अटैक किया, जब तक वो संभालेगी अपने आप को तब तक तो काम हो चुका होगा। ओके, तो माओ कहते हैं कि जो गोरिल्ला वॉरफेयर है ये एनिमी की सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब कर सकता है, डीमोलराइज करेगा उनकी ट्रूप्स को, उनके सोल्जर्स को, और इस तरीके से हम ओवर अ टाइम पीरियड इन फोर्सेस को हम ख़त्म कर देंगे और हम अपनी जी अप रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुली कंडक्ट कर देंगे। अब इसी जो फिलॉसफी ऑफ गोरिल्ला वॉर है ये आपको समझ में आई कि इसमें ये डिफरेंट कैसे है कन्वेंशनल वॉरफेयर से, आपको यहाँ पे समझ में आया। जस्ट अ सेकेंड, आपको ध्यान रखना है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर से अलग कैसे है गोरिल्ला वॉरफेयर। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन आती है यहाँ पर, वो आती है किस चीज़ की, कि जो गोरिल्ला वॉरफेयर है इसमें प्रोपोगंडा हम यूटिलाइज करेंगे। सो माओ सजेस्ट करते हैं कि भाई जो प्रोपोगंडा है, पॉलिटिकल वर्क है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है गोरिल्ला वॉरफेयर का।
अब प्रोपोगंडा से क्या होगा, माओ का बिलीव था कि जो प्रोपोगंडा है इसका हम यूज करेंगे टू विन द सपोर्ट ऑफ द मासेस, राइट, कि जो रूलिंग क्लास है ये ऐसा कर, प्रोपोगंडा किया जाता है ना भाई, कि भाई जो रूलिंग क्लास है वो ये गलत कर रही है, राइट. अब जैसे इंडिया की प्रेजेंट पॉलिटिक्स में एक सिंपल से एग्जांपल से आप कनेक्ट करो, जैसे एक रूलिंग पार्टी होती है, दूसरी अपोजिशन पार्टी होती है. जो रूलिंग पार्टी है वो ब्लेम लगाएगी अपोजिशन पार्टी पे, अपोजिशन पार्टी ब्लेम लगाएगा रूलिंग पार्टी पे कि ये करप्शन कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, मिस यूज़ ऑफ द पावर कर रहे हैं, नेपोटिज्म कर रहे हैं, अपने भाई भतीजावाद, अपनी फैमिली की जो झोलियाँ हैं वो भर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें चलती हैं ना. तो ये प्रोपोगंडा क्रिएट करना. तो माओ कहते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गुरिल्ला वॉरफेयर का. इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट करेंगे, और पब्लिक ओपिनियन कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम जो मासेज हैं उनका सपोर्ट गेन कर सकते हैं. अब जो रिवॉल्यूशन है उसको, क्रांति है उसको सक्सेसफुल बनाने में, एग्जीक्यूट करने पे मासेस का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अब इसे हम कैसे जीतेंगे, प्रोपोगंडा एंड पॉलिटिकल वर्क के थ्रू. जब मासेस का सपोर्ट हमारे साथ रहेगा तो स्वाभाविक सी बात है जो एनिमी है वो डीमोलराइज हो जाएगा. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था गोरिल्ला वॉरफेयर का. आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये कंसेप्ट. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट और कंसेप्ट आएगा आपका, जो माओ है उनकी रिवॉल्यूशन के बारे में जो व्यूज हैं, वैनगार्ड पार्टी का. तो जो माओ है उनका मानना था कि अगर आपको रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुली कंडक्ट करना है, तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, इस रिवॉल्यूशन को लीड कौन करेगा, लीडरशिप कौन प्रोवाइड करेगा, वैनगार्ड पार्टी. एक हम कम्युनिस्ट पार्टी बनाएंगे जो एक ड्राइविंग फोर्स के तरीके काम करेगा बिहाइंड द रिवॉल्यूशन और प्रोटेक्ट करेगा पीपल्स के इंटरेस्ट को. माओ का मानना था कि जो पार्टी है शुड बी कंपोज्ड ऑफ मोस्ट डेडिकेटेड एंड कमिटेड रिवॉल्यूशनरी, जो रिवॉल्यूशन लाने के लिए एकदम क्रेजी हो, कमिटेड हो, डेडिकेटेड हो, और वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहे. ओके, सो वो सेक्रीफाइस करने के लिए अपनी लाइफ फॉर द कॉज के लिए रेडी रहे. सो माओ का मानना था कि जो ये पार्टी रहेगी कम्युनिस्ट पार्टी, ये एक पॉलिटिकल लीडरशिप प्रोवाइड करेगी रिवॉल्यूशन के लिए, गाइडेंस प्रोवाइड करेगी, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी मासेस को, क्योंकि जो भीड़ है, जो कॉमन पीपल्स हैं, इनको गाइडेंस की ज़रूरत होगी, इनको ऑर्गेनाइज रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो स्ट्रेटजीज फॉर एग्जाम्पल हम बनाएंगे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीका चाहिए होगा, और ये काम कौन करेगा, वैनगार्ड पार्टी. दिस पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग द पीपल इन रिवॉल्यूशनरी स्ट्रगल, गेटिंग इट. और इस तरीके से ये मोबालाइज करेगी मासेस को टू पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्यूशन. जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, अगर आपको याद हो इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ी होगी, तो उसमें देखा था कि किस तरीके से गांधी जी ने जो जो आम जनता है, मासेस है, उनको लीड किया था, मोबालाइज किया था, गाइडेंस प्रोवाइड की थी, डायरेक्शन प्रोवाइड की थी मासेस को, चाहे वो आपका सिविल डिसोबिडियंस मोमेंट हो, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मोमेंट हो. सो मासेस को कैसे मोबिलाइज करना है, इसके लिए एक लीडर की जरूरत होगी, और वो लीडरशिप कौन प्रोवाइड करेगी, माओ के अकॉर्डिंग वैनगार्ड पार्टी. तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है माओ के रिवॉल्यूशनरी थॉट का, या जो रिवॉल्यूशन के बारे में आइडियाज हैं उस पर. नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो माओ के व्यूज हैं रिवॉल्यूशन में, दे वर हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज बिलीफ इन द पावर ऑफ द मासेस. हमने देख लिया, जैसे गांधी जी ने भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान पावर ऑफ द मासेस पे अपना फर्म बिलीव दिखाया था कि भाई मासेस की पावर, हमें बहुत ताकत होती है, बहुत पावर है मासेस में. इसके पहले जो मॉडरेट्स थे, कांग्रेस का आपका आपने पढ़ा होगा मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो जो मॉडरेट्स थे वो इतना ज़्यादा इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहे थे, राइट, कि भाई जो पावर ऑफ द मासेस है इसको एनालाइज नहीं कर पाए थे. जब गांधी जी की एंट्री होती है फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिया के, तब ये चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, पावर ऑफ द मासेस. इसी तरीके से माओ के अगर हम रिवॉल्यूशन पे थॉट देखें तो एक चीज़ निकल कर आती है कि जो पावर ऑफ द मासेस था इसको बहुत बहुत अच्छे से एनालाइज किया था माओ ने, और इसको हार्नेस करने की कोशिश की थी कि भाई इसको यूज़ कैसे किया जाए, इसको मीडियम कैसे बनाया जाए. तो माओ ने कहा कि जो रिवॉल्यूशन है ये तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब हमें पीपल्स का सपोर्ट मिले.
मतलब मासेस का। और हमें मासेस का सपोर्ट कैसे मिलेगा? प्रोपोगंडा करके हम पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे, पॉलिटिकल वर्क करेंगे, जो वैनगार्ड पार्टी है वो लीडरशिप करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी, डायरेक्शन देगी। ओके, सो माओ का जो कंसेप्ट ऑफ मास लाइन है एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टी लीडर्स लिसनिंग टू द कंसर्न्स एंड नीड ऑफ द मासेस। भाई अगर जो पार्टी लीडर्स हैं वो जो मासेज हैं, जनता है, उसकी नीड्स और उनके कंसर्न्स को सुनते हैं, समझते हैं और कंसीडर करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो मासेज हैं इनकी सिंपैथी हो जाएगी पार्टी लीडर्स के साथ में। और पार्टी लीडर्स ये रोल प्ले करेंगे कि वो उनके जो मासेज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके कंसर्न्स को दूर करेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और इस तरीके से हमें मासेज की सिंपैथी मिलेगी, मासेस का हमें सपोर्ट मिलेगा, और ये बहुत ही फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है अगर हमें रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुली कंडक्ट करना है तो। ओके, तो ये था आपका जो माओ है उनके थॉट्स ऑन द रिवॉल्यूशन, राइट? एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कॉमेंट कर सकते हो। एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब मेरी चैनल अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं। एंड आप सपोर्ट करने के लिए चैनल को शेयर कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में। वीडियो के नीचे आपको सुपर थैंक्स का एक फीचर मिल जाएगा। अगर आप चैनल की ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट। बहुत सारे लोगों ने किया भी है। सो थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।